नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों कुछ लर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है, और मार्केट के अंदर लर्निंग नहीं करेंगे तो हम मार्केट के साथ साथ नहीं चल पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो दोस्तों लाइव मार्केट चल रही है फिलहाल, और मैं लाइव मार्केट अब क्योंकि क्लोज होने वाली है तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी हम जो चल रहा है उसको भी डिस्कशन कर लें। तो वैसे तो अभी जो भी क्लोजिंग डाटा आएगा उसके बेसिस के ऊपर हमारा व्यू निकलेगा, बट फिर भी अभी जो है सिचुएशन, कल हमने बात की थी कि यहाँ पर जो मार्केट के डाटा पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि मतलब वो बेरिश हैं बड़े प्लेयर। यहाँ पे लिखा भी मैंने कि भाई बेरिश हैं बड़े प्लेयर, और उन लोगों ने 16,900 की पुट बाई की थी ऑप्शन चेन के अंदर ये वाली मतलब वीक की, और इस वाली वीक आपको बताया भी था। तो मैंने ये कहा था कि भाई 16,900 तक तो आपको मार्केट आसानी से मिल जाएगा आता हुआ, तो देखते हैं आज का लो क्या लगा है। तो आज का जो लो लगा है दोस्तों वो आपके सामने ही है, और वो मार्केट का आज का जो लो है वो है आपका 889। 900 के नीचे मार्केट गया, तो यहाँ पर जितने भी बड़े प्लेयर थे जिन्होंने मतलब स्पेशली FIIs जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग सॉरी जिन्होंने यहाँ पर पुट बाइंग की थी ऑप्शन चेन के ऊपर, वो सारे के सारे प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो दोस्तों यही फायदा होता है ऑप्शन के अंदर, मतलब अगर बड़ा प्लेयर जिस साइड में बैठा होगा उस साइड में डेफिनेटली मार्केट डेफिनेटली जाएगी, ये सच्चाई है। और बस यही अगर आप समझ लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं ऑप्शन चेन लाइव मार्केट में क्या कह रही है। अभी तो वैसे भी यहाँ पर वैसे भी ये ऑप्शन चेन अभी लाइव मार्केट की है, लेकिन जब हम एक्चुअली में ऑप्शन चेन देखेंगे तो वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखने में फायदा रहता है, क्योंकि अगले दिन का व्यू हम निकाल रहे हैं, अभी ये लाइव मार्केट का व्यू हम नहीं निकाल रहे। बट फिर भी चलो ठीक है, एक छोटा सा देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो फ्रेश पोजीशंस बनी हैं वो 17,000 के आसपास बनी हैं, और अभी भी मार्केट 17,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी वीकनेस है ऑप्शन चेन के अंदर। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है आज के दिन वो 16,900 के आसपास हुई है, तो आज आपने देखा कि पूरा दिन जो है वो फ्रेश पुट राइटिंग जिन लोगों ने की है वो सस्टेन कर पाए, मतलब अपने आप को बचा पाए आज के दिन। अब ये कितना बचा पाएंगे कल के दिन वो देखने वाली बात है, लेकिन आज जो मार्केट केवल 100 पॉइंट्स के बीच में ही घूमती रही है, 16,900 जो है नीचे सपोर्ट जो कि ये फ्रेश पुट राइटर्स जो थे, और 17,000 ऊपर की तरफ जो है रेसिस्टेंस, तो ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट ने घूमा है, और केवल इसलिए घूमा है क्योंकि ऑप्शन चेन ने इसको सपोर्ट किया है। बट मेरे हिसाब से कि यहाँ पर ये जो मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है लाइव मार्केट डाटा चल रहा है और जो क्लोजिंग डाटा आएगा वही चीज कंफर्म करेगा, तो इस चीज को बिल्कुल भी सही व्यू मत मानिएगा, इसको हम रीकन्फर्म करेंगे जब हम शाम को वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ना ये बेसिकली अभी कल भी इनकी क्या कहते हैं कुछ इनको प्रॉब्लम होगी, मतलब जो ये आज फ्रेश पोजिशन बनी है ना इनको कल प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रेश पोजीशन जो है इन द मनी के अंदर भी यहाँ पे कोर राइटर्स एक्टिव हैं, और सुबह से जो है आईवी भी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कॉल साइड का ही पुट साइड का आईवी डिक्रीज नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से जो है ये वाले पुट राइटर्स जो 16,900 के ऊपर जो एक्टिव हुए हैं इनको कल भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन जो है वो पूरी की पूरी वीक है। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट की ऑप्शन चेन मैंने आपको रीड करके बता दिया है। ठीक है, बाकी चलो मेरी जो लर्निंग थी उस लर्निंग के ऊपर आते हैं। ये तो थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि मार्केट क्यों आज 100 पॉइंट के अंदर मूव करी है, और ऑप्शन चेन से वो कैसे पता लग जाता है कि सपोर्ट क्या है रेसिस्टेंस क्या है, वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था। अब दोस्तों थंबनेल आपने देखा होगा, वहां पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई ऑप्शन बायर्स की है परेशानी बहुत बड़ी लाइव मार्केट के अंदर, वो क्या परेशानी है वो डिस्कस कर लेते हैं, और ये परेशानी कैसे खड़ी हुई है वो भी मतलब कैसे परेशानी आई है वो भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये आपके सामने है चार्ट, और ये चार्ट जो है वो एक घंटे का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बायर के लिए क्या चाहिए, जो मेजोरिटी जो है ऑप्शन बायर्स की वो क्या चाहती है, वो ये चाहते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में रहे, और जब मार्केट ट्रेंड में रहेगी तभी यहाँ पर ऑप्शन बायर्स जो हैं वो पैसा कमा पाएंगे। ये सच्चाई है बिल्कुल, ये तो सब जानते हैं और ये सच्चाई भी है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से मार्केट किस तरीके से चल रही है और उसका क्या क्या नुकसान है वो हम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 6-1 घंटे की चार्ट लगाया हुआ है मैंने, 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, और ये पर डे का चल रहा है। ठीक है, आज का देखने से पहले हम पहले का देख लेते हैं। जब मार्केट का टॉप लगा तो आप चेक कर सकते हो, एक छोटी सी रेंज में मार्केट को रखा गया तकरीबन 2 दिन तक, और वहां पर किसी ने अगर यहाँ पर ऑप्शन बाइंग किया है कॉल का, तो अगले 2 कैंडल के अंदर ऑप्शन मतलब स्टॉप उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर किसी ने सेल किया तो अगली 2 कैंडल के अंदर मतलब उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से एक छोटी रेंज के अंदर दोनों तरफ के ऑप्शन बायर्स का स्टॉप लॉस हिट कराया जा रहा है। अगले दिन भी यही कहानी हुई, मार्केट को एक गैप डाउन ओपनिंग करवाई, और फिर उसके बाद पूरा दिन जो है वो छोटी सी रेंज में मार्केट खत्म हो गया। क्लियर। और इस दिन भी यही काम हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ पर सेकेंड कैंडल, जो पहली कैंडल है वो 8:30 बजे की, मतलब इसके हिसाब से 9:15 बजे की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन सेल वो सॉरी ऑप्शन बाई किया होगा, पुट बाइंग किया होगा, तो वो एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन की डेफिनेटली कर रहे होंगे, क्योंकि उनको एक ट्रेंड चाहिए। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन बाई किया पुट का, अगली 2 कैंडल में उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा, इस वाले कैंडल में स्टॉप लॉस हिट किया, और जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल बाई किया होगा नीचे बॉटम के आसपास, उन लोगों का स्टॉप लॉस भी इसी कैंडल ने हिट किया होगा। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक गैप डाउन या गैप अप करते हैं, उसके बाद पूरा दिन जो है अगर 1 घंटे के कैंडल के हिसाब से देखोगे तो एक कलर रेड, एक कलर ग्रीन, एक कलर रेड, एक कलर ग्रीन, इस तरीके से मार्केट को चलाते हैं और दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट कराते हैं। ये बेसिकली हो रहा है, ये आपका यहाँ भी हुआ, ये यहाँ भी हुआ। अब यहाँ पर चेक कर लो, 2 दिन तक मार्केट को एक रेंज में रखा। ठीक है, फिर जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट मतलब पुट बाई किया, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाया, मार्केट को फालतू में इस लेवल के ऊपर लेके गए। फिर जिन लोगों ने यहाँ पर कॉल जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, वो सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे हम कैरी करके जाएंगे, डाटा पॉइंट्स के साथ बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये कैरी करके जाएंगे, तो अगले दिन फिर गैप डाउन कर दिया, फिर मार्केट को वहीं लेके आ गए। तो ना ही कॉल बायर का बेनिफिट, ना ही यहाँ पर पुट बायर का बेनिफिट, लगातार ये इस दिन भी चला, इस दिन भी चला, इस दिन भी चला। अगले दिन भी अगर आप चेक करोगे तो सेम सिनारियो है, जिसने भी यहाँ पर शॉर्ट किया, एक ही कैंडल ने उसका स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है, जिस भी कैंडल ने यहाँ पर बाई किया, अगली मार्केट खुलते के साथ ही अगली 2 कैंडल ने उसका भी स्टॉप लॉस खा गया। तो ये चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, और ऐसा ही सिनारियो जो है मतलब हर दिन जो है कॉल बायर का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है और पुट बायर का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, और ऐसा ही यहाँ पे हुआ देखने को मिला, जिसने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, वो सोच रहा था कि ट्रेंड बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, तो गया भी, लेकिन उससे पहले ही उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, जिसने यहाँ बाई किया उसका तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, इसी कैंडल ने हिट कर दिया। तो मतलब दोनों तरफ के जो स्टॉप लॉसेज हैं वो हिट हो रहे हैं, बेसिकली मेरा यही कहने का मतलब है। और यहाँ पर कोई भी एक साफ सुथरा ट्रेंड जो है नहीं दिया जा रहा है ऑप्शन बायर्स को, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और इस दिन के बाद भी अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो भी आप चेक करेंगे कि एक रेड, एक ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, हो क्या रहा है, एक रेंज के अंदर मतलब मार्केट को रख रहे हैं और दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस एक ही दिन ट्रेंड में मार्केट रहा, वो कि केवल एक दिन, और उसके बाद जो है यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, फिर रेड बना, फिर ग्रीन, ठीक है, फिर रेड। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हो। और आज का दिन भी देखिए, स्पेशली आज का दिन भी देखिए, मार्केट गैप डाउन किया, डेफिनेटली किया, आपको नंबर्स में दिखेगा, दिखने में पर्दे पे दिखेगा, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा बड़ा अच्छा मार्केट है, हम तो पैसा कमा सकते थे इसमें, लेकिन आप ऑप्शन बायर अगर हैं तो आप यहाँ पर कमेंट में जरूर लिखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं दोनों तरफ के। अगर आप भी आज भी आपने अगर सेल किया होगा, ठीक है, मार्केट खुलते के साथ अगर आपने सेल किया होगा तो अगली 2 कैंडल ने आपका पुट साइड का स्टॉप लॉस खा गया होगा। ठीक है, फिर पुट साइड का स्टॉप लॉस खाने के बाद आप यहाँ पर अगर, क्योंकि तो होता क्या है, माइंड में क्या जाता है कि यार अगर कॉल साइड का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, फिर आप यहाँ पर अगर कॉल बाय करेंगे तो अगली कैंडल ने फिर स्टॉप लॉस खा गया आपका। और आज भी यही हुआ है बेसिकली,
मार्केट एक छोटी सी रेंज में 100 पॉइंट के अंदर गई, घूमी। वो क्यों घूमी मैंने आपको ऑप्शन से बता दिया है, बट ओवरऑल जो है एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ओवरऑल यही हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग जो हुई दोस्तों वो 953 के आसपास हुई है। ठीक है, तो थोड़ी खराब क्लोजिंग ही है, ऑप्शन चेन वीक थी इसलिए मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग वीक ही है। ठीक है, बट बेसिकली यहाँ पर किया किया जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा गैप अप या गैप डाउन करा के आपको ये दिखाया जाता है, आपको एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि यार हमारी जो है रैली जो है, काश हम यहाँ पर पुट साइड की ट्रेड ले लेते। अरे लेते कैसे, यहाँ पर तो आपको पहले ही भर कर दिया स्टॉप लॉस करके। ठीक है, फिर आप कहते, फिर गैप डाउन हो गया, फिर कहते अरे यार मेरा पुट साइड का स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड जो था वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर तक गया भी, 450 तक गया भी, लेकिन इन ये मार्केट की एंजॉय रैली ना हो पाए, रिटेलर्स की ऑप्शन बायर्स की एक ट्रेंड में मार्केट में ना बैठ पाए, ये वाली कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट करवाया, कॉल बायर्स का अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट कराया, इस दिन भी स्टॉप लॉस हिट कराया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर। तो मतलब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कहानी अब बड़े प्लेयर्स ने समझ ली है कि भाई यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर्स को जो है मतलब रिटेल ट्रेडर्स का ना बेसिकली क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस हिट कराते हैं दोनों तरफ का। क्यों कराते हैं, क्योंकि मतलब रिटेल ट्रेडर्स, मेरा मतलब ये तो एक्सपीरियंस है ही और ये नॉर्मल बात है ही कि भाई जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, उनका पैसे को यहाँ पर उनका जो लिक्विडिटी है पैसे की उसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको यहाँ पर बड़े प्लेयर्स स्टॉप लॉसेज हिट होंगे डेफिनेटली दोनों तरफ के हो रहे हैं जो डेली बेसिस के ऊपर, तो आपकी कैपिटल लॉस होगी डेफिनेटली होगी। ठीक है, और ऐसा होने से मतलब एक ट्रेंड ऐसा होने से एक छोटी रेंज में मार्केट रखी जा रही है पहली चीज तो, और ये 1000 पॉइंट की जो रेंज है ये काफी महीनों से चल रही है, ये भी चीज समझना है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंड है मार्केट के अंदर काफी महीनों से। ठीक है, तो आप जरा चेक करेंगे अगर मंथली कैंडल तो आपको पता लगेगा कि ये नवंबर से यही चल रहा है मार्केट के अंदर, तो मार्केट को एक छोटी रेंज में रखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करने की कोशिश की जा रही है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगता है ऐसा कि छोटे प्लेयर जो स्मॉल प्लेयर है ना, जो ऑप्शन बायर है स्पेशली, ऑप्शन बायर जो है स्पेशली, उनको बाहर की मतलब छोटे प्लेयर को मार्केट से आउट कर देंगे बहुत जल्दी, और उनकी जो लिक्विडिटी है उनका जो पैसा है वो खत्म किया जा रहा है स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ के हिट करा के। ठीक है, और उन पैसे की जो लिक्विडिटी है वो खत्म जब हो जाएगी, जब छोटा प्लेयर कुछ भी नहीं कर पाएगा तो चलेगी किसकी, किसकी चलेगी आप बताओ, केवल बड़े प्लेयर की चलेगी। ठीक है, किसकी चलेगी, केवल बड़े प्लेयर की चलेगी। तो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, और मुझे यहाँ पर जो चार्ट्स पे देखा वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं। ठीक है, पिछले हफ्ते मेरे भी हुए थे कुछ स्टॉप लॉसेस हिट, जब जाके मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि भाई ये क्यों हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कराया, इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कराया, तो मतलब ये एक मतलब अनयूजुअल एक्टिविटी होगी जो कि एक या दो दिन की होगी, लेकिन जब मैंने इसको डीप ऑब्जर्व किया तो ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है दोस्तों। सो ऑप्शन बायर की परेशानी यही है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको लगेगा, मुझसे काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, सर मार्केट में क्या कौन सा ट्रेड लें, बुलिश ट्रेड लें मार्केट में या फिर बियरिश ट्रेड लें, तो अब मैं उनको किस तरीके से समझाऊं एक लाइन में लाइव मार्केट के अंदर कि भाई यहाँ पर अगर आप बुलिश ट्रेड लोगे तो भी आपकी कैंडल एक ही कैंडल स्टॉप लॉस हिट करके चली जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बियरिश ट्रेड लोगे तो अगली कैंडल जो है वो भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर रही है। सो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ओवर ट्रेडिंग ऑप्शन बायर्स की तरफ से अगर की जाएगी तो इट विल बी हार्मफुल टोटली। ठीक है, मेरे हिसाब से, और ये सिनारियो जो है काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। ठीक है, और ये सिनारियो यहाँ पर भी चला है। देखिए, कोई भी एक ट्रेंड, क्लियर ट्रेंड को पकड़ने से पहले वो यही करते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन करके मार्केट चलाया गया है, यहाँ पर भी चलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी चलाया गया, तो ओवरऑल ये कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। ठीक है, और अप्रैल में तो ये पूरा का पूरा खेल हुआ है, पूरा अप्रैल में आप चेक कर सकते हो, पूरा अप्रैल का यहाँ पर जो चार्ट है, अप्रैल की जो स्टार्टिंग हुई है वो यहाँ से हुई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से हुई है, तो अप्रैल की स्टार्टिंग में अच्छा ट्रेंड था, लेकिन उसके बाद जो है ऑप्शन बायर्स जो हैं, मतलब मार्केट में ट्रेंड भी आ गया, बट ऑप्शन बायर्स जो हैं वो मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ,
बट मोस्टली ऑप्शन बायर्स का यहाँ पे नुकसान हुआ है, स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ के हिट हुए हैं। और ये क्यों किया जा रहा है, मैंने आपको रीजन बता दिया है, लिक्विडिटी खत्म करने के लिए किया जा रहा है। स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कैपिटल का नुकसान होगा, डेफिनेटली उनकी कैपिटल खत्म होगी, उनकी जो पैसे की लिक्विडिटी उनके पास बनी हुई है वो वहां पर ऑप्शन बायर्स को बाहर कर देंगे, जो वीक और छोटे स्मॉल प्लेयर हैं उनको डेफिनेटली बाहर कर देंगे। उसके बाद ही वो लोग, मतलब इसमें फायदा किसका, इसमें फायदा है ऑप्शन सेलर का, ऑप्शन सेलर का, और बड़े प्लेयरों के पास पैसा अच्छा खासा होता है तो वो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गुड फॉर द ऑप्शन बायर स्पेशली, एंड दिस वॉज माई ऑब्जर्वेशन। तो ये एक प्रॉब्लम है ऑप्शन बायर्स के लिए। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से कुछ स्ट्रेटजीज के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, जो हम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से हम ट्रांसफर हो चुके हैं, इसी रीजन, इसी मतलब प्रॉब्लम के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने क्या किया है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया है, ठीक है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए आपको डाटा रीडिंग आनी चाहिए, जो कि हम करते हैं ऑलरेडी, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट की रेंज क्या है, ठीक है, एक रेंज पता होना चाहिए मार्केट की, तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और उसको एडजस्ट करना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बना ली तो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो उसको एडजस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो जब तक ये चलता रहेगा तो ऑप्शन स्ट्रेटजी विल वर्क, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करूंगा, आपके कमेंट का, कि क्या आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि एक ही दिन में दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट कराए जा रहे हैं, और आपके भी क्या स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, मेरे तो हो रहे हैं, और अगर आपके हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरे हुए थे, मैंने अपना वे चेंज कर लिया ट्रेडिंग करने का, क्योंकि मार्केट अगर चेंज कर रही है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो जो मुझे लगा मैंने आपको बताया, कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा कि क्या आपके स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ हिट होते हैं अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, और क्या ये मेरे साथ ही हुआ पिछले हफ्ते या आपके साथ भी हो रहा है, और कंसिस्टेंटली हो रहा है या हो रहा है क्या। तो ये सब चीजें आपको अगर हो रही हैं आपके साथ तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, क्वांटिटीज कम रखिएगा कुछ टाइम तक, क्वांटिटीज को लो रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि क्या किया जा रहा है, लिक्विडिटी अब्जॉर्ब की जा रही है, ठीक है, लिक्विडिटी को खत्म किया जा रहा है स्मॉल प्लेयर की, तो यहाँ पर क्वांटिटीज जो है बिल्कुल कम रखिएगा, ऑप्शन स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिएगा, उसके लिए आपको मतलब कमांड होनी चाहिए ऑप्शन स्ट्रेटजीज के ऊपर, और जो एडजस्टमेंट है वो भी आप करते रहिएगा, और ये सब एक छोटे मोटे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको, आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रखा होगा अगर आप ऑप्शन बायर होंगे तो, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लियर ट्रेंड मतलब यहाँ पर जनरेट नहीं होता किसी भी पर्टिकुलर दिन, कुछ दिनों को छोड़ के, जैसे कि ये दिन और ये दिन, कुछ दिन को छोड़ के यहाँ पर दोनों तरफ की मतलब मार्केट में ही इस तरीके से दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस को हिट कराया जा रहा है। सो इट इज़ अ बिग वरी, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द ऑप्शन बायर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, जो कि आज शाम को आएगी, निफ्टी एनालिसिस वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।